दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये दो चीजें बहुत पसंद थी। क्या आपको ये मालूम है? तो हर मोमिन को ये बात मालूम होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दो चीज़ दुनिया में बहुत पसंद थी, जिसमें से एक थी खुशबू लगाना और दूसरा निकाह करना। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद थी, लेकिन किसी चीज़ की तरफ रगबत नहीं फरमाई। लेकिन इन दो चीज़ का तरफ रगबत फरमाई और हमेशा खुशबू का इस्तेमाल करते थे। अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुशबू इतना पसंद था कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास तोहफा भेजते तो आप इसे कभी रद्द नहीं फरमाते थे कि खुशबू को कभी रद्द मत करो, क्योंकि ये जन्नत से निकली हुई है। इसके अलावा भी अगर कोई इंसान कोई दूसरा तोहफा भेजता था तो उसे भी कबूल फरमाते थे, लेकिन उसे कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने पास नहीं रखते थे, बल्कि उन लोगों में तस्कीम करवा देते थे। खाने की चीज़ होती थी तो गरीबों को दे देते थे। दूसरी किसी चीज़ को भी आप अपने पास कभी नहीं रखते थे, लेकिन जब कोई आपके पास खुशबू भेजता था तो उसे अपने पास रखते थे, उसका इस्तेमाल फरमाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुशबू को खुद भी फरमाया है और दूसरे को भी खुशबू लगाने का हुक्म दिए हैं। रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे कि मर्द की खुशबू ऐसी होनी चाहिए खुशबू फैले और रंग नज़र ना आए, और औरतों की खुशबू वो खुशबू बेहतर है कि जिसकी खुशबू ना फैले और रंग नज़र ना आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन और ईद के दिन के मौके पर खुशबू लगाने का हुक्म फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद ऊद कतूरी और रेहन नामी खुशबू का इस्तेमाल ज़्यादा पसंद फरमाते थे। खुशबू के अलावा आपको निकाह करने का हुक्म देते थे। आपने 11 निकाह किया था। निकाह के बारे में उलमा बयान फरमाते हैं, ज़्यादातर निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसलिए किए ताकि लोगों को घरेलू मामले का इल्म हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस तरह से घर के अंदर रहते थे वो बातें आप भी अपनी बीवियों के बाद में लोगों के सामने बयान फरमाती थी और लोग भी उसी तरह से ज़िंदगी गुजारते थे। इससे मालूम हुआ कि हमें ख़ास तौर पर जुमे की नमाज में अच्छी खुशबू वाला इत्र लगाकर जाना चाहिए। इसके अलावा हमें इसे रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, को यह क्या आपको ये बात मालूम थी? तो आपको ये बात मालूम है तो बहुत अच्छी है, नहीं है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोगों को भी ये बात मालूम नहीं है उन्हें भी ये बात मालूम चल सके। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।